हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जो है जो आप लोगों ने कल कमेंट्स करके क्वेश्चन पूछे हुए, जो भी कमेंट आपने किए हुए, उन सभी कमेंट का जो है एक एक करके आप लोगों को मैं यहाँ पे आंसर देने वाला हूँ। तो अगर दोस्तों अभी तक आपने जो है हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो मैंने पिन किया हुआ है, आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और आज मॉर्निंग में जो है दोस्तों आप लोगों के कुछ रिजल्ट जो है वो यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किए हुए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लास्ट में आपको जो है वहाँ पे एक वीडियो मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। और साइड में जो है आपको लास्ट में भी वीडियो का आइकन मिलेगा, आप जो है लास्ट तक वीडियो को देख के साइड में आइकन पे क्लिक करके जो वो वीडियो है आपके रिजल्ट की उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फ़नी वीडियोस है, इन्होंने जो है बीए फर्स्ट ईयर का जो फीस है उसके बारे में पूछा है। तो भाई अभी मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं तो उसकी जो है अलग फ़ीस है। सपोज़ इन्होंने जो है यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बता रखा है, जो जो यहाँ पे फ़ीस है। तो यहाँ पे देखिए 2600 रुपये आपकी जो है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस में भी हो सकती है फर्स्ट सेमेस्टर की, और या तो आपकी ये एडमिशन फ़ीस होगी, ठीक है। उसके बाद जो आपका 50 और जो 100 है ये आपकी एडिशनल फ़ीस है, या आपका जो है जो आपको जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट फ़ीस आया होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके उसको देख सकते थे। तो ये कुछ फ़ीस होती है एडिशनल, तो ये उसके होते हैं 150 रुपये, और यहाँ पे 1400 रुपये आपके जो है या तो ये एग्जामिनेशन फ़ीस है आपकी या तो ये एडमिशन फ़ीस है, ठीक है। टोटल आपका जो है और जो आपका जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस और जो टोटल आपकी जो फ़ीस होगी 4300 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर की हो रही है, अगर आप जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अगर आप जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स विथ मैथमेटिक्स करेंगे तो उसकी अलग फ़ीस होगी, अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स विथ ज्योग्राफी आप जो है अलग अलग जो है कोर्स से करते तो उसकी जो है आपको अलग अलग फ़ीस होगी। और यहाँ पे मैंने एक जो है आप लोगों के लिए वीडियो बनाई हुई थी जिसमें आपको जो है हर एक जो आपका जो है कोर्स है उसका जो है मैंने आपको फ़ीस बताया हुआ था। अगर वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो आपके साथ जो है व्हाट्सअप ग्रुप में वो वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप एक एक करके जो आपके कोर्सेज हैं उनकी फ़ीस वहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट है कि जो बीए फाइनल ईयर का जो इम्प्रूवमेंट का पेपर फॉर्म कब तक आएगा। तो भाई जो बीए फाइनल ईयर का जो इम्प्रूवमेंट का जो फॉर्म आएगा वो आपका जो है जब विंटर सीजन के स्टूडेंट के एग्ज़ाम होंगे तो उससे 1 महीने पहले या 15-20 दिन पहले आएगा, क्योंकि आपका जो फॉर्म फिल होगा आप फिर जो है विंटर सीजन के स्टूडेंट के साथ एग्ज़ाम देंगे, तो आपका जब विंटर सीजन के स्टूडेंट के एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होंगे और जब भी आपका जो है इम्प्रूवमेंट का जो है पेपर आता है तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बिमला ने पूछा है कि जो BA M21 का जो है फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब तक आएगा। तो जल्दी ही जो है आपका ये रिजल्ट भी आ जाएगा, कुछ रिजल्ट जो है वो यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किए हुए हैं अभी, और कुछ रिजल्ट अभी धीरे धीरे यूनिवर्सिटी जो है अनाउंस कर देगी। और यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन भी होंगे कि बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट कब आएगा, तो अभी मैं बता दूँ कि अभी कोई भी जो है रिजल्ट बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का नहीं आया हुआ है, बट जल्दी ही बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का भी रिजल्ट यूनिवर्सिटी जो है वो अनाउंस कर देगी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट है कि इन्होंने जो है जो हमारा EBS का जो पेपर होता है इन्वायरमेंटल साइंस का, ये इन्होंने नहीं दिया हुआ है, तो इनकी जो है उसमें NC लिखा हुआ है। तो NC का मतलब होता है भाई नॉट क्लियर, आपको जो है इसका बैक फॉर्म फिल करना होगा, और जब आप बैक फॉर्म फिल करेंगे तो इसका आप दोबारा से एग्ज़ाम देंगे, और एग्ज़ाम देने के बाद जो है आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप पास हो जाते हैं तो दैट इज़ गुड, अगर नहीं होते हैं तो आप फिर से बैक फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कल्पना है, इन्होंने पूछा है कि जो है एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा गया, अब क्या करें। तो एग्जामिनेशन फॉर्म जो है मैं आपको बता दूं, अगर आप जो हैं अभी आपने जो है एडमिशन लिया हुआ है सेमेस्टर मोड में, आप स्टूडेंट है सेमेस्टर मोड की, तो उसमें जो है आपको एग्जामिनेशन जो फॉर्म होता है वो फिल करना होता है। बट अगर आपने जो है ईयरली है आपका, तो उसमें एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल नहीं करना होता। जैसे मैंने जो है BA 2021 में एडमिशन लिया हुआ था, तो मैं भी कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करता हूँ, क्योंकि जो हमारी फ़ीस होती है वो हम पहले ही जमा कर देते हैं। तो अगर आपका भी जो है ईयरली होगा तो एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो आपका फ़िल हो गया होगा,
अगर नहीं है तो आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अमन करके हैं, इन्होंने पूछा है कि जो बीए फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा। तो अमन भाई अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है कि आपका रिज़ल्ट इस दिन आएगा, बट अकॉर्डिंग टू मी जब हमने एग्ज़ाम दिए थे 2021 में, तो उस टाइम जो आपका रिज़ल्ट आया था वो नवंबर सेकेंड थर्ड वीक तक आ गया था। और मे बी इस बार जो है आपका रिज़ल्ट थोड़ा और जल्दी आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था वो लेट हुए थे, बट अभी आपके जो रिज़ल्ट है वो जल्दी आ जाएगा। ये पॉसिबल पॉसिबिलिटी है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जल्दी ही यूनिवर्सिटी अनाउंस करेगी। उसके बाद यहाँ पे अमन ने यहाँ पे फिर से कमेंट करके पूछा है कि जो स्कॉलरशिप है वो जो है प्राइवेट या रेगुलर के स्टूडेंट के लिए है, प्राइवेट वालों के लिए। तो अभी मैं बता दूं अमन भाई, जो जो ये स्कॉलरशिप है इसके बारे में मुझे भी पता नहीं है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो UOU की, उस पर ये नोटिफिकेशन आया हुआ था, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दिया। बट आप अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आपका जो स्टडी सेंटर है वहाँ पर जाइए, वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको डिटेल वाइज इसके बारे में वो बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका नितिन ने यहाँ पे पूछा है कि जो है जो बैक जो फॉर्म है उसकी जो डेट है वो चली गई है, तो मैं क्या करूँ। तो भाई अभी जो डेट है बैक फॉर्म की वो अभी आई ही नहीं है, तो कैसे उसकी डेट चली गई भाई। अभी जो है जब विंटर सीजन के एग्ज़ाम होंगे तो उससे पहले 15-20 दिन पहले उसका जो है बैक फॉर्म फिल करने का जो है फॉर्म आता है, ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा। तो अभी कोई फॉर्म नहीं आया हुआ है, जब भी आएगा आपको बता दिया जाएगा। और यहाँ पे जो नेक्स्ट कमेंट है द वर्ल्ड करके, इन्होंने पूछा है कि जो बैक इनका जो है कल क्वेश्चन था कि अगर कोई स्टूडेंट जो है बैक जो है अगर किसी स्टूडेंट की जो है बैक में भी जो है फेल हो जाए तो क्या वो दोबारा बैक फॉर्म फिल कर सकता है। तो भाई अभी जो है इसके बारे में जो है मैंने पता नहीं किया है, बट मंडे तक आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि कुछ इशू था इसीलिए इसके बारे में थोड़ा पता नहीं कर पाया, बट जल्दी ही आप लोगों को बता दूंगा। क्योंकि अभी आपके जो बैक फॉर्म फिल होंगे, अगर पॉसिबल है कि आप बैक फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होता है। आप जब भी आपके नॉट क्लियर होगी, आपके जो जब रिज़ल्ट आएगा उसमें अगर नॉट क्लियर से हो रहा है तो आप दोबारा से बैक फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट अगर फिर भी मैं आपके जो है सर्टिफिकेशन के लिए जो है आपका जो है जो स्टडी सेंटर है जो टीचर्स है उनसे पता कर लूँगा, अगर वो कहेंगे तो आपको बता दूँगा। उसके बाद यहाँ पे प्रियांशु ने यहाँ पे पूछा है कि जो फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा। तो भाई प्रियांशु अभी जो है बीए फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट है वो यूनिवर्सिटी ने अनाउंस नहीं किया हुआ है, बट जल्दी ही यूनिवर्सिटी जो है अनाउंस कर देगी रिज़ल्ट। और दोस्तों ये आपके कुछ कमेंट थे जो आप लोगों ने कल पूछे हुए। और दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर आप भी जो हैं बीए के स्टूडेंट हैं, एमए के स्टूडेंट हैं, बीकॉम बीएससी किसी भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो आज सुबह जो है मैंने एक वीडियो बनाई हुई आपके रिज़ल्ट से रिलेटेड, जिसमें आपके जो कुछ रिज़ल्ट हैं वो यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किए हुए हैं। तो आप उस वीडियो को देखिए, अगर आपका रिज़ल्ट आया होगा तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आपके कुछ कमेंट थे जिनका आंसर मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को दिया। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट डे जो है आपके जो कमेंट हैं उनका आंसर मैं आप लोगों को दे दूंगा। और दोस्तों ये आपके कुछ कमेंट थे जिनका आंसर मैंने आपको इस वीडियो में दिया। अगर आप जो है अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल पर प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय एंड गुड नाइट।